टॉप फिफ्टी डिफेंस करेंट अफेयर जो कि आप एक रिविजन क्लास इज अर मोस्ट एक्सपेक्टेड हम इनके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे सो so दट आपके रिविजन भी हो जाए और ऑल्सो अगर आपने अभी तक प्रिपेरेशन नहीं किया है सो ह्योर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिवाइज विद गवर्नमेंट क्रैकर्स क्योंकि अब ये सीरीज आपको वन बाय वन करंट अफेयर की एटलीस्ट

will get free afsb courses so the registration charges is only 99 in which we'll be getting a defense magazine which cost around 100 to 120 but we'll be giving you it free of कॉस्ट ठीक है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपने जहां तक भी अपनी प्रिपरेशन की हो जैसे भी की हो और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं एंड विध प्रिपरेशन यू कैन विन प्राइज इज ऑल्सो सो लेट एस प्रोसीड टूवर्ड्स द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिफेंस अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ठीक है सो ये जो है क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं जो आपका जनवरी से ऑगस्ट तक कवर करेंगे एंड दिस सीरीज

तो इसका जो आंसर होगा आपका पायलेटिस पी सेवन ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये लिया गया है आपका स्विट्ज़रलैंड से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमायरल गोश द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्टेड बाय इंडिया इज नाउ नेम्ड एज तो ये जो एक सोवियत एयरक्राफ्ट था जिसे इंपोर्ट किया था इंडिया ने वो अब किस नाम से जाना जाता है इसका आंसर है आई एन एस विक्रम आदित्य च ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेइजेशन हैव सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एज इट्स स्लोगन ठीक है तो इसका आंसर होगा आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्वेश्चन फोर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री लोकेटेड आपका हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है सो द आंसर इज अबादी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज अ न्यू ओ टी ए फॉर ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर स्टैब्लिश इन टू थाउजेंड टेन इलेवन में कहाँ पे था आपका ओ टी ए जो स्टैब्लिश किया गया था आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए सो इट इज ओ टी ए गया जो कि स्टैब्लिश हुई थी और अब ये मर्ज होने जा रही है एंड इसकी जो ट्रेनिंग कंडक्ट होगी फर्दर अब वो आई एम ए में कंडक्ट होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज एयर टू एयर रिफ्यूलर बाई इंडियन एयरफोर्स तो अब यहाँ पे देखिए एयर टू एयर कौन सा एयरक्राफ्ट जो है रिफ्यूल कर सकता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास प्रेजेंट है तो इसका आंसर है आपका एल्यूशन सेवनटी एट ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी अब राफेल में भी है लेकिन उसके अलावा जो एक और ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स के पास है वो है एल्यूशन सेवेंटी एट

फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ टू बी गिव इन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा पी सी इसका जो ऑप्शन है आपका वो है अर्जुन सिंह वॉज द ओनली पर्सन जिन्हें एयर चीफ मार्शल का रैंक जो है इंडियन एयरफोर्स ने प्रोवाइड किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्र सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर ज्वाइंटलीशन बाय इंडिया एंड कौन से और दूसरी कंट्री के बीच में इंद्र सीरीज की एक्सरसाइज आपकी होती है सो हियर द ऑप्शन इज इंडिया एंड रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉप्स डील्स विद द सप्लाई ऑफ वेपेनरी एंड एमिनेशन इन इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी में वेपन का सप्लाई और एमिनेशन का सप्लाई कौन सी कॉप करती है तो दिस ऑप्शन इज आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप जो है इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम बेस फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विक्रम आदित्य का होम बेस क्या है सो योर ऑप्शन इज कारवार ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग इज साउथ वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड आपका साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है सो इट इज गांधीनगर तो यहाँ पे आप देखिए जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डिफेंस रिलेटेड पूछे जा रहे हैं जो स्टैटिक जीके में भी आते हैं और करंट अफेयर्स में भी आते हैं सो so जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है अब लास्ट प्रिपरेशन डेज में आपकी यही स्ट्रेटेजी कि आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करें सो so दैट आपको याद रहेगा ठीक है अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ कैप्टन ठीक है तो यहां पे आपको इक्विवेलेंट रैंक बतानी है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलोनल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर 1971 के टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी कौन थे तो योर ऑप्शन इज फील्ड मार्शल एस एफ जे मानेकशाह थे आपके चीफ मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन 1932 कौन सा पहला जो एयरक्राफ्ट था वो इंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने नाइनटीन में सो योर ऑप्शन इज Land, वापिती, ये जो है ये फर्स्ट इंडक्टेड एयरक्राफ्ट था ठीक है क्वेश्चन सिक्सटीन द बाइनियल ज्वाइंट मल्टी नेशनल लेवल नेवल एक्सरसाइज इंडियन ओशियन इज नेम्ड द एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली हेल्ड इन फेब्रवरी टू थाउजेंड फोर्टीन में भी ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जो इंडियन ओशन में हेल्ड हुई थी ठीक है बाइनियल है तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज है जो बाइनियल होती है नेवी की है और इंडियन ओशन में होती है तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा मिलान नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ फॉलोइंग द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड है आपके गैलेंट्री नॉन गैलेंट्री अवार्ड होते हैं सो जो गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र उसका फर्स्ट रेसिपियंट कौन था सो so, इसके फर्स्ट रेसिपियंट थे मेजर शैतान सिंह नेक्स्ट दौलत बेग ओल्डी अ वेल नोन एयर स्ट्रिप फॉर सप्लाई ऑफ प्रोविजन टू आर्मड फोर्सेस इज लोकेटेड इन आपने देखा होगा दौलत बेग ओल्ड अभी न्यूज में भी था सो so ये कहाँ पे लोकेटेड है इसकी लोकेशन हमें बतानी है सो इट इज लद्दाख रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी ऑफ द इंडियन नेवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट अ सोलो अनअसिस्टेड नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन ऑफ वर्ल्ड इन 2017. ठीक है कौन सी उन्होंने आ, जो है शबमरीन को यूज किया था सो इट इज आपका आई एन एस वी ठीक है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बीन सेटअप इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप हुई है आपको लोकेशन बताना है सो so इसका ऑप्शन है आपका गुड़गांव हरियाणा एट विच ऑफ प्लेसेज इज द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड जो डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है सर ऑप्शन इज सी सिकंदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द नेम गिवेन टू द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन टू थाउजेंड एट अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक ताज होटल में जो अटैक हुआ था मुंबई में आप सबको याद होगा उसको एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया था वो किस नाम से जाना जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है सो हियर द आंसर इज ऑपोलेशन ब्लैक टोर्नेडो के नाम से उसे जाना जाता है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री एट विच ऑफ द फॉलोइंग्टर्स ऑफ नेवल कमांड नॉट लोकेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन ओवर रीड भी कर देते क्वेश्चन में है नॉट लोकेटेड तो कहां पे नहीं है सो so इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी गोवा में नहीं है ट उठता है इंडिया में सो इट इज फोर्थ ऑफ दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है द इंडियन नेवी टू थाउजेंड थर्टीन में इन्होंने इंडक्ट करा था बॉइंग पी एटी वन एयरक्राफ्ट एट नेवल स्टेशन राजी टू सर्व वॉट पर्पज़ द एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इंडक्टेड तो कभी कभी ऐसे स्पेसिफिक अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम जो हैं वो डील्स करते हैं या इंडक्ट करते हैं तो कभी कभी स्पेसिफिक पर्पज पूछ लिया जाता है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में तभी आप आंसर कर पाएंगे और द अदर ऑप्शन इज या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें एंड विल कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे जो पी एटी वन एयरक्राफ्ट का बोइंग का जो नेवल ने इंडक्ट करा था रजाली में उसका जो पर्पज था वो पर्पज था लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकनाइंस ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट रेज टू प्रोटेक्ट नेवल एसेट्स को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी यूनिट को रेज किया गया था सो योर योर ऑप्शन इज सागर प्रहारी बल क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आई एम टी आर ए टी इमपार्ट ट्रेनिंग टू आर्मी ऑफिसर्स ऑफ कौन से रीजन के आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग ट्रीम ठीक है ये सब आपको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जब आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच करते हैं सो योर योर ऑप्शनज भूटान के लोगों को भूटान के आर्मी ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है जैसे हम इमट्राट के नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन धनुष अ मिसाइल इंडक्टेड टू द इंडियन नेवी इज कस्टमाइज एंड नेवल वेरियंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल हैज़ द रेंज ऑफ 700 हंड्रेड किलोमीटर ठीक है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ये क्या है मतलब धनुष जो मिसाइल इंडक्ट हुई है ये क्या कर सकती है इसके बारे में आपको बताना है So, यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन कि इट कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थोर्टी का यहाँ पे द कमांडो यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज नेम्ड आज ठीक है तो इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडो यूनिट है उसका क्या नाम दिया गया दैट इज गरुड ठीक है यहाँ पे धनुष मिसाइल का जो मैंने आपको बताया धनुष मिसाइल का यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रू सेंटेंस क्या है तो यहाँ पे ट्रू सेंटेंस होगा आपका हैज अ रेंज ऑफ सेवन किलोमीटर यही राइट right सेंटेंस होगा ठीक है सो इसका ऑप्शन सी वाला नहीं ए वाला होगा हैज अ रेंज ऑफ सेवन किलोमीटर क्वेश्चन थर्टी वन राफेल एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री से एक्वायर किया जा रहा है सो राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो आपका फ्रांस से एक्वायर किया गया अभी आपने देखा रिसेंटली न्यूज में भी था नेक्स्ट इज अग्नि फाइव मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ अबाउट अग्नि फाइव मिसाइल का रेंज क्या है तो इसका होगा आपका ऑप्शन फाइव थाउजेंड किलोमीटर तो एट टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इंडिया वॉज एक्सरसाइज जॉइंटली विथ एक जॉइंटली एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं संपीति मगर किसके साथ कंडक्ट करते हैं इंडिया एंड विच कंट्री सो ह्योर इट इज बांग्लादेश के साथ हम कंडक्ट करते हैं थर्टी फोर ट्रीडन न्यूक्लियर डिटेरेंट इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री ये जो ट्रीडन न्यूक्लियर डिटेरेंट है ये कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड है सो ह्योर योर ऑप्शन विल बी यूनाइटेड किंगडम के साथ क्वेश्चन थर्टी फाइव शामनो वरुणा किसका मोटो है ठीक है बहुत फेमस मोटो आप सबने सुना होगा लेकिन जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं आते, टाइम्स पॉसिबल है कि आपको इसका आंसर ना पता हो सो so, श्यामा नो वरुणा जो है ये आपका इंडियन नेवी का मोटो है लेमेते इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाई इंडिया एंड विच कंट्री तो अगेन यहाँ पे एक्सरसाइज रिलेटेड अब आप देख रहे हैं काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो इट इज सेचिल्स काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल इज लोकेटेड वेयर तो यहाँ पे आपको लोकेशन अगेन बतानी है तो इट इज लोकेटेड इन मिजोराम विच कंपनी मैन्यूफैक्चर सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयरबस थर्टी नाइन डिफेंस अंडरटेकिंग गार्ड एन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इज हेडक्वार्ट एज इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है सो द ऑप्शन ह्योर इज Mumbai. Next. एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विराट वॉज फॉर्मली नेम्ड एज एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विराट का क्या नाम दिया गया था फॉर्मली सो इट वॉज एडमायरल गोरशफ और बाद में इसको चेंज कर दिया गया था सॉरी एच एम एस हरमिस एंड बाद में इसे चेंज कर दिया गया था और एडमायरल गोरश का भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था इसे आई एन एस विक्रमादित्य का नाम दे दिया गया था तो फॉर्मली इसका नाम ये था और उसके बाद विक्रमादित्य का दे दिया गया था उसी तरह एच एम एस हरमिस जो है उसका जो फॉर्मर नेम था दैट वॉज आई एन एस विराट हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ एटोमिक बॉम्ब का इन्वेंटर कौन था तो दैट वॉज रॉबर्ट ओपेमर क्वेश्चन फोर्टी टू विथ विच कंट्री इंडिया कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर खंजर जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया किसके साथ कंडक्ट करती है सो दट इज कैराइस्तान ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अदरन कमांड ठीक है इनमें से किसकी नदरन कमांड नहीं होती है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बोथ टू एंड थ्री यानी इंडियन नेवी की भी नदरन कमांड नहीं है और इंडियन एयरफोर्स की भी नदरन कमांड नहीं है सिर्फ इंडियन आर्मी की जो है वो नदरन कमांड है जो कि आपकी उधमपुर है क्वेश्चन 44 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम होती है आप देखते हैं कि 26 जनवरी में या कभी ऐसे ओकेजन हो गए so जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है उसका एक नाम है वो क्या नाम है सो दैट इज सारंग नेक्स्ट द लोएस्ट ऑफिसर रैंक इन इंडियन नेवी इंडियन नेवी का जो लोएस्ट ऑफिसर रैंक है इन ऑप्शन में से बताना है ठीक है तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा सब लेफ्टिनेंट इज द राइट आंसर क्वेश्चन 46 हाई स्कूल जो है ये कहां है? ये पे लोकेटेड सो इट इन गुलमर्ग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी की सदरन कमांड के बारे में आपको बताना है सो योर योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी पुणे

विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर सबमरीन आपको इन ऑप्शन में से बताना है सो योर ऑप्शन इज आई एन एस चक्र जो है आपकी वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है सिम्बिक्स जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अगेन इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री सो द राइट ऑप्शन वुड बी सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये कंडक्ट होती है ठीक है नेक्स्ट ब्लू हेलमेट्स किसे कहा जाता है सो ब्लू हेलमेट्स इज यूएन पीस कीपिंग सोल्जर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है आर्मी हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्रेनिंग कमांड कहां पे है ये आपको बताना है सो दिस इज इन शिमला इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व होता है ये आपको बताना है सो द ऑप्शन इज जनवरी 15 एक्सरसाइज आयरन फिस्ट किससे रिलेटेड है यहां पे एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया है तो ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है सो योर ऑप्शन इज इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड जो है वो आयरन फिस्ट एक्सरसाइज है विथ विच कंट्री इंडिया कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और किसके बीच में कंडक्ट होता है सो so योर राइट ऑप्शन वुड बी सिंगापुर और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज बोल कुरुक्षेत्र कंडक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पे है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज आपका वेलिंगटन में है विच इज द थर्ड कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार तो मालाबार आपका मल्टीलिटरल एक्सरसाइज है सो इंडिया एंड यू एस के अलावा थर्ड कंट्री कौन सी है जो इस एक्सरसाइज का पार्ट होती है तो यू हियर जापान के साथ जापान जो है वो तीसरी कंट्री है जिसके साथ ये एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएस कंडक्ट करते हैं अल नागाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई इंडिया एंड विच अदर कंट्री सो द राइट ऑप्शन वुड बी ओमान सो यहाँ पे आप देखिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड या मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो और स्टार्टिंग जीके के भी

नेक्स्ट क्वेश्चन राइफल फैक्ट्री अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज लोकेटेड ठीक है तो ये आपसे पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है इसकी लोकेशन पूछी गई है सो द ऑप्शन इज ईशापुर में ये लोकेटेड है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गगन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है सो गगन शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है ठीक है तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अब यहाँ पे एक बात जो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो चाहे आप स्टार्टिक डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हो फोकस आपको किस पे करना है सबसे पहले जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है आप इनको कवर कर लीजिए ठीक है तो जितनी भी मिलिट्री आपके एक्सरसाइजेज हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की आप कवर कर लीजिए क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सेकेंडली जितने भी कमांड्स हैं या रैंक्स हैं आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए कमांड्स को लेके रैंक्स को लेके इक्विवेलेंट रैंक से रिलेटेड जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिए थर्ड जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है सो ये आप कवर कर सकते हैं मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से भी रिलेटेड आपने देखे काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एंड फोर्थ जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए हाईएस्ट कौन सा है लोवेस्ट कौन सा है ठीक है तो जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इसके अलावा जो आपको फोकस करना है डिफेंस के करंट अफेयर्स के लिए वो ये है कि आपको वेपन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा तीनों फोर्सेस के बारे में चाहे वो आर्मी हो नेवी हो या एयरफोर्स हो तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं चाहे स्टैटिक जी के हो चाहे करंट अफेयर्स हो जब आप न्यूज़पेपर गो थ्रू करें या कोई भी बुक आप गो थ्रू करें सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इन टॉपिक्स पे फोकस करें इसके अलावा आप कुछ ऑपरेशंस के मिलिट्री ऑपरेशंस पे भी फोकस कर सकते हैं जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन आपने जो आर्मी ने कंडक्ट किया हो एफोर्स ने कंडक्ट किया हो या नेवी ने, ने कंडक्ट किया हो सो so, ये चार से पांच एस्पेक्ट्स आपको एटलीस्ट कवर करके जाना है जिससे शॉर्ट जो आप कह सकते हैं वो दो से तीन क्वेश्चंस तो हर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एंड वंस वी गिव दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सो एवरी क्वेश्चन मैटर्स फॉर अस और वैसे भी जब आप इन एग्जामिनेशन को क्रॉस करके आगे एस इंटरव्यू में भी जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सो इट इज बेटर कि आपके पास इनकी नॉलेज हो ठीक है लास्ट थर्टी डेज इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द सजेशन वुड बी ओनली दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें वेदर यू आर गोइंग टू गिव इकेटी एग्जामिनेशन सो यहाँ पे दीज आर द सेट्स फाइव थाउजेंड प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इ से रिलेटेड अगर अभी भी आपके पास स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है सो ओनली इन 799 आप जो है पूरा का पूरा एफकैट का कोर्स ले सकते हैं ऑल्सो यू हैव द ऑप्शन कि आप एफकैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी ले सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें all this you will get on the website www.governmentcrackers.com कॉम ठीक है so, सो आप यहां से स्टडी मटेरियल लेके जो भी आपको चाहिए चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो या एफ कैट का कोर्स हो या फिर ईके टी का स्टडी मटेरियल हो यू कैन हैव इट एंड प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन क्योंकि ये पूरे के पूरे आपकी क्वेश्चन बैंक है सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज टिल देन जय हिंद